सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी आर। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो जोसा काउंसलिंग राउंड 6 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, उसके साथ साथ हमारे पास बिटसेट का 8th आइट्रेशन का रिजल्ट भी कल डिक्लेयर हो चुका है। अब काफी ज्यादा बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि भैया बिटसेट की 8th आइट्रेशन का जो भी कट ऑफ है उसका एनालिसिस क्या है, प्लस साथ के साथ जो हमारे बिटसेट के 9th आइट्रेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आज पूरे वीडियो में यही बात कर रहे होंगे कि बिटसेट के 8th आइट्रेशन की कट ऑफ क्या रही होगी, प्लस साथ के साथ आपके बिट सेट के 9th आइट्रेशन की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और आपको अभी फ्रीज करना है या स्लाइड अप होने के लिए क्या 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 प्रोसेस करना पड़ेगा बिट सेट काउंसलिंग के अंदर, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना यार। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। एक सब्सक्राइब और एक लाइक आपका हमको काफी ज्यादा मोटिवेट रखेगा आपके लिए काम करने के लिए, ठीक है। काफी ज्यादा मेहनत लगती है यार ऐसी सारी इंफॉर्मेशनल कंटेंट इकट्ठा करके वीडियो बनाने में, तो यार आपका एक सपोर्ट हमको चाहिए। तो यार बिटसेट का 8th आइट्रेशन का बहुत सारे बच्चों का डेटा आ चुका है, कुछ डेटा की हमको और रिक्वायरमेंट है। उस डेटा की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एक गूगल फॉर्म बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिंड कमेंट के अंदर मिलेगा। तो आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उस गूगल फॉर्म के अंदर हमने आपसे सिर्फ आपका बिटसेट का स्कोर, ठीक है, 6th आइट्रेशन में आपको 7th आइट्रेशन में आपके पास कौन सी ब्रांच थी और 8th आइट्रेशन में आपके पास कौन सी ब्रांच है, बस ये चीज हमने उसके अंदर आपसे पूछी है, जिससे थोड़ा बहुत डेटा और आ जाएगा तो हमको थोड़ा सा कट ऑफ को क्रंच करने में आसानी रहेगी। 7th आइट्रेशन का जो हमने डेटा बनाया था एकदम एक्यूरेट था, काफी ज्यादा बच्चों को रिलेट लगा, काफी ज्यादा बच्चों को लगा कि हाँ एकदम सही डेटा है। बस 8th आइट्रेशन का भी हमको कुछ कुछ वैसा सही डेटा बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमारे को डेटा की जरूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। आज शाम को 5 से 6 बजे के तक आपके पास बिटसेट की एग्जैक्ट कट ऑफ आ रही होगी जो कि 8th आइट्रेशन की होगी, जो एग्जैक्ट हमने 7th आइट्रेशन की भी निकाल दी थी, ठीक है यार। अब बात कर लेते हैं बिटसेट में 9th आइट्रेशन की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 9th आइट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं, 9th आइट्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी 99% है कि 9th आइट्रेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी 9th आइट्रेशन होना चाहिए। 1% तो यार कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता, बट मेरे हिसाब से 9th आइट्रेशन होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जोसा से काफी सारे बच्चों ने विथड्रॉ नहीं किया था, 6th आइट्रेशन हुआ ही ताकि बिटसेट का 8th आइट्रेशन डिक्लेयर हो गया, उनको विथड्रॉ करने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है, उनको बिटसेट से विड्रॉ करने का टाइम नहीं दिया गया, उनको पहले ही आइट्रेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो क्या होगा, होगा ये कि शायद हो सकता है कुछ बच्चे बिट से अब विड्रॉ करें जिनको आईआईटीज के अंदर या एनआईटीज के अंदर सीट्स मिल गई है, जो बिट्स के अंदर नहीं आना चाहते हैं अब आईआईटीज की तरफ वो जाना चाहते हैं, तो हो सकता है वो अब विड्रॉ करें, उनको विड्रॉ करने की टाइमलाइन अब दी गई है, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को आईआईटी में क्योंकि उसको बिट से तो रिफंड मिल ही रहा है ना 31st ऑफ दिसंबर से पहले पहले, आईआईटी से उसको 6th राउंड के बाद रिफंड नहीं मिलेगा, और अगर उसको आईआईटी में अच्छी ब्रांच मिल गई तो वो बिट से रिफंड लेके आईआईटी की तरफ जाना प्रेफर करेगा। तो और जो आपका 8th आइट्रेशन का रिजल्ट है उसके अंदर लिखा हुआ भी आया है कि अगर आपको ये ब्रांच और जो कैंपस आपको मिला है वो पसंद नहीं है, अगर आपको नेक्स्ट आइट्रेशन में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर नेक्स्ट आइट्रेशन होता है तो ऑटोमेटिकली आप स्लाइड अप के लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे, और अगर नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं होता है तो ये आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। अगर आपको जो मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको फ्रीज कर भी सकते हैं, नहीं भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं है तो फ्रीज नहीं करिए, उसको ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आइट्रेशन होती है आप उसके अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिए जाएंगे, स्लाइड अप के लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे, और अगर आपको कोई ब्रांच और कैंपस अच्छा मिल गया है तो आप क्या करिए उसको फ्रीज कर दीजिए, ठीक है। पूरी क्रेजी प्रेप टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। 9th आइट्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि 9th आइट्रेशन भी हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 9th आइट्रेशन भी हो जाए। 8th आइट्रेशन की कट ऑफ के एनालिसिस के लिए थोड़ी सी हमको आपके हेल्प की जरूरत है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है पिन कमेंट के अंदर जो गूगल फॉर्म है उस गूगल फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए अंदर, तब के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। पूरी क्रेजी पैप टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।